बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जमुई में हैं। वे गरीब संपर्क पदयात्रा के तहत यहां पहुंचे हैं। मीडिया से मुखातिब मांझी ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की जमकर तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि पूर्व सांसद आनंद मोहन बुरे आदमी नहीं हैं। दूसरे लोग चाहे जो उन्हें समझे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मांझी ने कहा कि उन्होंने कई किताबें लिखी है, साथ ही उनकी बातों को हम देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो क्रिमिनल नेचर के आदमी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन के छूट जाने से गरीबों को नुकसान होगा या फिर उन पर अत्याचार बढ़ेगा, हमें ऐसा नहीं लगता। पूर्व सांसद आनंद मोहन की संभावित रिहाई को लेकर उन्होंने कहा कि कानून में बिहार सरकार ने जो संशोधन किया है वो सरकार का अपना निर्णय है और सोच विचार कर ही कानून में संशोधन किया गया होगा। ऐसे कानून सबके लिए होने चाहिए और इसका क्या भला होगा या बुरा होगा ये अभी नहीं कह सकते। हम आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की संभावित रिहाई को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है और सियासत के साथ नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार ही नहीं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नेता भी इसमें कूद पड़े हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर ट्वीट कर बिहार सरकार को दलित विरोधी बताया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की जमकर तारीफ की और पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने जो भी वादे किए उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। सुनिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को। होने के बहुत हाइतवा मचा हुआ, मायावती का एक बयान आया है कि बिहार सरकार ने दलितों के साथ अन्याय किया है। आनंद मोहन की रिहाई या जो कानून में संशोधन आया है उसको जीतन राम मांझी किस रूप में देखिए, इस माने में तो हम कह ही सकते हैं कि कानून सबके लिए होना चाहिए। संशोधन कर करके आनंद मोहन जी को छुड़ाने का काम उन्होंने किया है बिहार सरकार ने, तो ये बिहार सरकार का अपना निर्णय है, सोच विचार करके ही लोग किया होगा। अब इसका क्या भला होगा या बुरा होगा ये हम अभी नहीं कर सकते हैं, ये समय बताएगा। वैसे आनंद मोहन जी को हम बुरा आदमी नहीं मानते हैं, आनंद मोहन जी अच्छे हैं। दूसरा लोग चाहे जो समझे, उन्होंने कई किताबें लिखी है और उनकी बातों को हम देखते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो क्रिमिनल नेचर के आदमी हैं। तो वैसी परिस्थिति में कानून में जो संशोधन किया है उसका क्या रिजल्ट होगा ये इसके बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन आनंद मोहन जी के बारे में कर सकते हैं कि आनंद मोहन जी के छूट जाने से गरीबों का सर्वनाश होगा, गरीबों पर बड़े अत्याचार होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। अभी जनसंख्या को लेकर जिस लोकसभा चुनाव जीतन राम मांझी किस रूप में देख रहे हैं? देखिए 2024 का जो चुनाव है, हम लोग महागठबंधन में हैं, महागठबंधन में 7 पार्टियां हम लोग हैं। हम लोग का कोशिश ये है कि 400 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 400 सीट जीतें, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। और यदि आप कहते हैं कि हम लोगों का मेन मुद्दा ये रहेगा कि जो भाजपा की सरकार है खुद कह चुकी है सरकार की, हम बहुत सी बातें जो कहा वो जुमला है, तो जब जुमला की सरकार है, जुमला की बात करने वाली सरकार है, उसके अगेंस्ट में हम लोग जनता को जागृत करेंगे और वोट मांगेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम नौकरी देंगे या नियोजन देंगे, आज 8 साल हो गया,
तो 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, सरकार बताती नहीं है कि कितनी नौकरियां दिया। उन्होंने कहा था कि महंगाई को हम लोग रोकेंगे, आज महंगाई में आप देख रहे हैं हर चीज़ का, चाहे डीजल है, पेट्रोल है या गैस है, सब का दाम आसमान छू रहा है। तो ये दो चीज़ ऐसी है जिसके चलते हम लोग सरकार जनता को ज़रूर जागृत करेंगे और ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि सरकार बदले, ताकि हम लोग ये दोनों चीज़ पर काबू पा सकें। और इसके लिए महागठबंधन के सभी लोग इंटैक्ट हैं, एक होकर के चुनाव लड़ने की बात करेंगे। और तो और, आपने देखा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मिल करके विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं, ताकि विपक्ष गोलबंद हो जाएगा तो फिर सरकारी जो पार्टी है उसको हम लोग अपदस्थ कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और तुरंत ही 2-4-5 दिन के बाद वो और राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं। तो इस तरह से 2024 के चुनाव में हम महागठबंधन के लोग पूर्ण बहुमत लेकर के भारत सरकार की सरकार बनावे, ऐसा प्रयास हम लोगों का चल रहा है। एक तरफ बीजेपी को केंद्र से हटाने की बात मिलना, और रही बात दबाव, सही बात है, हमारी पार्टी है, आज हम एक्टिव हैं, सब लोग समझता है कि इनके पास एक साइजेबल वोट है, इनको हम साथ मिला करके रखें। तो पार्टी में तो बहुत लोग पहले भी चलता था कि मर्ज कर दीजिए, हम पार्टी को क्यों मर्ज करते हैं, हम नई पार्टी बनाए हैं, सब लोग अपना पार्टी बना के काम कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। आज अच्छी बात है कि 4 को विधायक और 1 MLC हैं। तो वैसी परिस्थिति में बहुत लोग चाहते हैं कि भाई आप मेरे दल में आ जाइए, हमको आप मदद कीजिए। तो ये दबाव तो है ही है, इसमें कहाँ कोई मत है, लेकिन हम बहुत स्पष्ट रूप में कहा है, बल्कि हम तो यहाँ तक कहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई है कि हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, वो जहाँ रहेंगे जैसे रहेंगे हम उनको मदद करेंगे। तब फिर बातें आती रहती है, उसको कहने में क्या पाप है, और हम तो भाई खुला दिल के आदमी हैं, जो सामने बातें आती हैं हम बोल देते हैं, कुछ लोग अपने मन में रखता है, ये मैं तो इस बात को नहीं रखता हूँ। तो इसको आप कर सकते हैं कि राजनीति में तो अवगुण है, लेकिन उस अवगुण को लेकर कि हम आज 42 वर्ष के राजनीति किया है, कसम टूटेगा तो नहीं। अब हम तो नहीं समझते हैं कि टूटना चाहिए। नीतीश कुमार जी जब हैं, नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, आज उन्हीं के चलते हमको बहुत सहूलियत है, तो कसम टूटने का क्या सवाल है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम लोग अस्तित्व का जहाँ पर हमारा सवाल आएगा, तो जिसके लिए कसम खाया है उसका भी तो उत्तरदायित्व तो बनता है कि उससे कसम की प्रतिष्ठा हम रखें। कितने मस्तिष्क बन जाएगा, कितनी सीटों, अब वो सब आपसे नहीं शेयर में करूँगा, वो हम लोग आपस में बातचीत करें। अगर महागठबंधन से ज्यादा सीट NDA आपको दे तो? अब वो अलग बात है, हम जब जहाँ हैं तो कहा जाता है कि इज्जत की में सत्तू और रोटी अच्छी होती है, बनिस्पत की बेइज्जत में बिरयानी। एक नया आपको क्या टिप्पणी होगा? हम तो यही समझते हैं कि इससे साबित हो रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि गरीबों और गरीबी के चलते हुई होती है। अमीर लोग और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वहाँ जनसंख्या की वृद्धि नहीं होती है। तो ये माना जाए कि बिहार में गरीबी की संख्या, अशिक्षित लोगों की संख्या अभी काफ़ी है, इसके चलते जनसंख्या बढ़ रही है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बाबा अंबेडकर की जो नीति थी कि सबको शिक्षा एक समान कीजिए, तो भारत सरकार अगर ऐसा करेगी तो जनसंख्या अपने आप डाउन हो जाएगी। पढ़े लिखे समाज में जनसंख्या डाउन होती है, और ख़ास करके महिलाओं की जो शिक्षा है, पहले महिलाओं की शिक्षा नहीं होती थी तो जनसंख्या और बढ़ती थी। अगर जिस प्रकार से शिक्षित हो रही है महिलाएँ,
उसके चलते जनसंख्या कम बढ़ी है, अगर नहीं बढ़ती हो तो और जनसंख्या आगे बढ़ जाती। तो ये जनसंख्या जो बढ़ी है, अभी हम चीन से भी पार हो गए हैं, 28-29 लाख जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो गया है मेरे यहाँ, ये बहुत विचारणीय विषय है।